लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। मैं काशी हूं, मेरी इस पंचकोश भूमि को स्वयं भगवान शंकर ने जल से निकाला था। मैं हूं इस सृष्टि की प्रथम भूमि, मैं सर्वदा शिव त्रिशूल पर स्थित हूं, इसलिए प्रलय हो या विनाश कुछ भी मुझे प्रभावित नहीं करते। पतित पावनी गंगा मेरे इतिहास की साक्षी हैं। विश्वकर्मा जी ने काशी एवं विश्वनाथ मंदिर का भव्य निर्माण भगवान शिव की आज्ञा से किया था। ये उस समय की बातें हैं जब देवता गण एवं अन्य ग्रहों के निवासी पृथ्वी पर आते थे। समय बदला, सम्राट बना औरंगजेब, सबसे शक्तिशाली और विशाल मुगल साम्राज्य का। उसकी आज्ञा से उसकी सेनाओं ने खंडित कर डाला विश्वनाथ मंदिर को। इस घटना के कुछ ही समय बाद औरंगजेब की मृत्यु हो गई और समाप्त हो गया मुगल साम्राज्य। विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण महारानी अहल्याबाई ने करवाया और महाराजा रंजीत सिंह ने ढेरों सोना मंदिर पर अर्पित किया। मेरी इस पंचकोश भूमि पर भगवान महादेव बाबा विश्वनाथ के रूप में आज भी स्वयं विराजते हैं और भक्तों को फल देते हैं। इसलिए कहते हैं, हो नहीं सकता वो जग में अनाथ जिसके संग हो बाबा विश्वनाथ। नारायण नारायण जय हो शिव शंभु। हे पूज्य पिता जगत सृजक ब्रह्मा जी और माता सरस्वती, पुत्र नारद का प्रणाम स्वीकार करें। आओ पुत्र नारद, लंबे अंतराल के बाद आए हो। हाँ पिताश्री, मैं पृथ्वी भ्रमण पे चला गया था। अच्छा, तो तुम हमारे पृथ्वीवासियों का हाल देखने गए थे? हाँ माते, मैंने अपने पृथ्वी भ्रमण में देखा किस तरह संपूर्ण विश्व शिवमय हो गया। सारे मानव शिवरात्रि हो या सावन का मास कैसे धूमधाम से मनाते हैं, और भगवान शिव की तो जय जयकार चारों तरफ गूंजती है। आखिर अपने भोले बाबा है भी तो महादानी, अपने भक्तों की पुकार तुरंत सुनते हैं। परंतु क्या पुत्र, बोलो। हे माते, मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठता है कि जिस तरह भगवान शिव की पूजा अर्चना होती है, ऐसे ही हमारे पूज्य पिता ब्रह्मा जी की पूजा अर्चना क्यों नहीं होती है? पुत्र नारद, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि मैं, विष्णु और शिव तीनों एक ही हैं, फिर ये विभेद की बातें क्यों? भक्त चाहे मेरी पूजा करे या विष्णु की या फिर शिव की, उसकी भक्ति हम तीनों के पास पहुंचती है। वैसे भी मैं नियमों से बंधा हुआ हूं, क्योंकि मैं ही विधान हूं और अपने बनाए नियमों का कठोरता से पालन करता हूं। हे पिताश्री, मुझे क्षमा करें, मेरे मन में जो विचार आया उसे मैंने प्रकट कर दिया। अब आप प्रभु की लीला आप ही जाने, मैं तो चला। नारायण नारायण जय हो शिव शंभु, जय हो भोलेनाथ। देवी, आप कहाँ विचार मग्न हो गई? हे देव, भले आप नारद को कुछ भी कहें, मगर मुझे उसकी बातें विचारणीय लगती हैं। मैं मानती हूँ आप शिव विष्णु तीनों एक ही रूप हैं, परंतु मेरी भी हार्दिक इच्छा है कि आपकी पूजा अर्चना पूरे विश्व में हो। अच्छा, तो आप पर नारद की बातों का ऐसा प्रभाव पड़ा है? नहीं प्रभु, ये उसकी बातों का प्रभाव नहीं है, ये तो वो सत्य है जिसका सामना आप भी नहीं करना चाहते।
परंतु मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं समस्त पृथ्वीवासियों के मन मस्तिष्क में आपको बिठा दूंगी, क्योंकि मैं देवी सरस्वती हूँ, समस्त पृथ्वीवासियों के ज्ञान का स्रोत हूँ। नहीं देवी, नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। नहीं प्रभु, आप मुझे न रोकिए, मैं भी लक्ष्मी और पार्वती की तरह अपने पति को जगत पूज्य देखना चाहती हूँ। देवी शांत हो जाइए, हमने इस ब्रह्मांड के कुछ नियम बनाए हैं। आप तो जानती ही हैं कि हमारा एक दिन पृथ्वीवासियों के लिए सहस्त्रों वर्ष के बराबर है। मेरे ही जागने और सोने से पृथ्वी का निर्माण और विनाश होता है। अभी कुछ ही देर के पश्चात मैं सो जाऊंगा और ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। उसके पश्चात जो नव जगत का निर्माण होगा उसमें आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करें। नारायण नारायण, जय हो शिव शंकर, जय हो भोलेनाथ। कहो पुत्र नारद, अचानक इस समय तुम्हारे आने का कारण? हे भोले शंकर, हे भोलेनाथ, प्रलय की घड़ी आ गई है। हमें पता है वत्स नारद, परंतु हमने और ब्रह्मा जी ने मिलकर सुख शांति और समृद्धि के साथ साथ विनाश भी धरती के लिए सुनिश्चित कर रखा है। ये पूरी प्रक्रिया सुनिश्चित है। तुम जिस उद्देश्य से यहां आए हो उसे हम जान गए हैं, परंतु इस प्रक्रिया में बाधा डालना संपूर्ण ब्रह्मांड की व्यवस्था को अवरुद्ध करना होगा, इसलिए तुम्हें आज हमसे निराशा ही मिलेगी। मगर इसे रोकिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। आज जब सभी की आस्था आप में विद्यमान है तो अपने भक्तों को बचाइए, अन्यथा आपकी भक्ति का क्या लाभ? बस हमारे भक्त भी सृष्टि के बनाए हुए नियमों के अंदर ही हैं। हमारे आशीर्वाद भी पृथ्वी की स्थिरता पर निर्भर करते हैं, और तुम जिसे विनाश और प्रलय कह रहे हो, ये पूरी प्रक्रिया धरती और ब्रह्मांड को नवीनता प्रदान करती है। ये सामान्य प्रक्रिया है पुत्र नारद, ये तो हमारे ही बनाए हुए नियम हैं। हम इनका उल्लंघन कैसे कर सकते हैं? हे भोले शंकर, शायद आपको स्मरण नहीं कि आपने ही काशी नगरी को अमरत्व का वरदान दिया था, और आज आपकी वही काशी नष्ट होने वाली है। फिर आपके दिए उस वरदान का क्या होगा नाथ? पुत्र नारद, तुमने तो मुझे प्रश्नों के घेरे में लेकर असमंजस में डाल दिया है। देवी पार्वती, यदि हमारे ही बनाए हुए नियम और हमारा ही दिया हुआ वरदान आमने सामने हो तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हे नाथ, समय की पुकार को देखते हुए नियम बदले जा सकते हैं, परंतु दिया हुआ वरदान कभी वापस नहीं लिया जाता, अर्थात आपको काशी नगरी को बचाना ही होगा। ठीक है, ऐसा ही होगा।
देखा प्रभु शिवजी ने क्या किया? काशी सुरक्षित तो संपूर्ण विश्व सुरक्षित, जैसी शिवजी की इच्छा। विश्वनाथ जी देवों में महादेव हैं, काशी विश्वनाथ जी गंगा तट पे विराजे स्वयं भोलेनाथ जी। महिमा बड़ी तीर्थों में काशी विश्वनाथ की, करो जय जयकार बाबा भोलेनाथ की। महादेव है काशी विश्वनाथ जी देवों में महादेव है काशी विश्वनाथ जी गंगा तट पे विराजे स्वयं भोलेनाथ जी। महिमा बड़ी तीर्थों में काशी विश्वनाथ की, करो जय जयकार बाबा भोलेनाथ की। धरा से ऊपर शिव त्रिशूल पे ठहरी हुई है तीनों लोक से सुंदर। ओ सभी देवता फिरते रहते अपना भेष बदल कर, अमृत जल के साथ साथ गंगा बहे दिन रात, अमृत जल के साथ साथ गंगा बहे दिन रात, गंगा तट पे विराजे स्वयं भोलेनाथ जी। महिमा बड़ी तीर्थों में काशी विश्वनाथ की, करो जय जयकार बाबा भोलेनाथ की। अर्धनारीश्वर रूप है ब्रह्मा विष्णु जी प्रकट हुए यही शिव के दिव्य स्वरूप है। ओ पुत्र इन्हीं के कार्तिकेय गणपति जिनका रूप अनूप है, शिव शक्ति परिवार भक्त झुकाओ माथ, शिव शक्ति परिवार भक्त झुकाओ माथ, गंगा तट पे विराजे स्वयं भोलेनाथ जी।
महिमा बड़ी तीर्थों में काशी विश्वनाथ की, करो जय जयकार बाबा भोलेनाथ की। शिव के अंश भैरव जी ने काटा ब्रह्मा का शीश, ब्रह्म हत्या का पाप लगा तो धोए यही गौरीश। हो आठ परिक्रमा कोई करे तो कृपा करे जगदीश, कपाल मोचन धाम बनाए गौरीनाथ, कपाल मोचन धाम बनाए गौरीनाथ, गंगा तट पे बिराजे स्वयं भोलेनाथ जी। महिमा बड़ी तीर्थों में काशी विश्वनाथ की, करो जय जयकार बाबा भोलेनाथ की। गंगा जी के पावन घाट पे राजा हरीश चंद्र दानी मृतक पुत्र को लाई उनकी दीनहीन महारानी। हो सत्य धर्म की रक्षा करते राजा हरीश चंद्र दानी, कर मांगे महाराज माया मोह को त्याग, कर मांगे महाराज माया मोह को त्याग, गंगा तट पे बिराजे स्वयं भोलेनाथ जी। महिमा बड़ी तीर्थों में काशी विश्वनाथ की, करो जय जयकार बाबा भोलेनाथ की। महिमा बड़ी तीर्थों में शंकरगढ़ के वासियों ध्यान से सुनो, एक जरूरी ऐलान सुनो, सुनो ध्यान से सुनो। दुर्दांत डाकू भैरव सिंह, जिसने पूरे विंध्याचल प्रदेश में आतंक मचा रखा है और जो हत्याओं और लूटपाट के लिए दोषी है, उसके लिए सरकार ने ये ऐलान किया है कि भैरव सिंह को जो भी जिंदा या मुर्दा पकड़वाएगा उसे 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, उसे 50,000 का इनाम दिया जाएगा। अरे भैया, भैरव सिंह का कौन ससुर के नाते पकड़ेगा? जो ज्यादा लौंडा पचे से करेगा ना, भैरव सिंह कुछ नहीं, सीधे प्रेस छंच घटा देगा। भैरव सिंह आदमी थोड़े है, शैतान है शैतान। एकदम ठीक कहा तो भैया। हाँ, अरे राम सिंह, ये तलवार तो काफी सुंदर है रे, जरा निकाल तो इसे। अरे जरा लेकर तो आ तलवार। अरे गिर गया। ये तो शंकर भगवान का तलवार है, किंतु किसे फेंका है तो महाबुर्वा का चपाट है। हट तू, मैं निकालता हूँ इसे। अब ये हो यहाँ पहुँचिएगा। अरे दरोगा जी, ये तलवार को आज तक कोनो ससुर का नाती नहीं निकाल सका, आप का निकाल सकेंगे?
निकालिए जोर लगाइए दम लाके महा चपाटे ये हो चपाटे लगा कर ए बरबस कहा के लगा जो थरथरा रहा लगा रहा पीने का जोर लगा दरोगा जी क्यों जोर लगा रहे हो व्यर्थ परिश्रम न करो ये तलवार नहीं निकलेगी और तुम ये अपराध न करो ये तलवार इस गांव के धर्मराज स्वर्गीय ठाकुर रुद्र प्रताप की है भगवान शिव ने स्वयं उनके पूर्वजों को ये तलवार दी थी इसे तो सिर्फ इस धर्मपीठ का अधिकारी ही निकाल सकता है यही शिव वरदान की महिमा है ओम नमः शिवाय ओम नमः त्रिलोचनाय भस्मागाराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय प्रणाम गुरुदेव प्रणाम आयुष्मान भवपुत्रो तुम लोग अब सांसारिक जीवन में प्रवेश कर रहे हो भगवान शिव तुम्हारी सहायता करे आज आपका बेटा धर्मा गुरुकुल से शिक्षा पूरी करके लौट रहा है आप खुश है ना वर्षों के बाद ये माँ आज उसे देखेगी खुशी से मेरा दिल धड़क रहा है स्वामी पता नहीं कैसा लगता है हमारा धर्मा वर्षों के बाद ये माँ अपने लाल को देखेगी
जे पार्वती, पाप नष्ट करो जगत का अब प्रभु, जय हो काशी विश्वनाथ की। महादेव जी, विश्व पिता हे शिव शंकर, मनोकामना पूर्ण करो प्रभु, अपने ही जैसा दो मुझे वर। अरे तुमको ही ढूंढ रहा था मैं, तुमको ही ढूंढ रहा था मैं, समझे पंडित। अरे तुमने तो मेरी शादी करवा के मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, सर खुजा रहे हो। अरे मेरी शादी के फेरे भी तुमने डलवाए, मेरी शादी के उल्टे सीधे मंत्रों का जाप भी तुमने ही किया, ये सब कर करके तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, समझे। अरे कहाँ बात करते हो जजमान, अरे हमने तो तुम्हारी शादी काशी पंचांग और मिथिला पंचांग देखने के बाद ही बड़ी निष्ठा पूर्वक करवाई थी। अरे तुम्हारी निष्ठा गई भाड़ में पंडित, बड़ी निष्ठा पूर्वक करवाई थी। अरे शादी होने के बाद भी रणवा बना पूरे गांव में घूम रहा हूँ, समझे। मैं यहाँ हूँ और मेरी घरवाली मायके में है, समझे। और जब भी उसको लेने को जाता हूँ पंडित, मुंह इधर करो, जब भी मैं उसको लेने के लिए जाता हूँ तो कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। अभी देखो 10 महीने पहले गया था उसको लेने तो पता चला उसकी दादी मर गई, फिर गया 4 महीने बाद उसको लेने, जाओ मार, फिर लेने के लिए गया तो पता चला उसकी मौसी मर गई, और अभी परसों जाकर आया हूँ तो मालूम चला उसका बैल, ऐसा करके बैल भी मर गया। अभी बोलो, अरे पंडित मैं बता रहा हूँ, तुम्हारा बस चले ना तो तुम सबको मार डालोगे पंडित। अरे क्या बात करते हो जजमान, जीना मरना तो सब विधाता के हाथ में है। ए पंडित, विधाता के हाथ में है, एक बात सुन लो पंडित कान खोल करके, अगर तुमने हमारी घरवाली का कोना नहीं करवाया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सही बोला हरकू भैया, आज तक इसने जिसकी भी शादी कराई है उसकी बीवी मायके में बैठी है और मेरी बीवी भी मायके में है। ठकराइन, ठकराइन की जय हो। प्रणाम ठकराइन। कहिए पंडित जी, कैसे आना हुआ। लो कर लो बात, कैसे आना हुआ, इस पंडित का काम ही है योग्य रिश्ता लाना और विवाह करवाना। लेकिन यहाँ क्यों आए हो। मैं तो अपने छोटे ठाकुर के लिए जमींदार भानु सिंह की बेटी की शादी का रिश्ता लाया हूँ, परंतु आपने कोई उत्तर नहीं दिया। हमें इस विषय में कोई बात नहीं करनी। क्यों ठकुराइन। आप अभी जाएं। ठीक है ठकुराइन। अब तो हम सबके बहुरानी के देखे की इच्छा है, अब तो जल्दी छोटे ठाकुर के बहक कर दे ही, ये हवेली में चहल पहल हो जाए। खबरदार, आज के बाद जो इस हवेली में शादी ब्याह की बात की, समझ गई ना तू। माँ जी, अरे छोटे ठाकुर आ गए, छोटे ठाकुर, अरे छोटे ठाकुर आ गए। माँ, माँ चल मेरे साथ। क्या बात है माँ,
तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? माँ तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कुछ नहीं बेटा, मैं आज तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मुझसे? हाँ। सब कुछ तो तेरा है माँ। मुझे एक वचन दे बेटा। एक वचन क्या? तुम उससे 100 वचन ले ले माँ। मेरे सर पर हाथ रखकर वचन दे कि जो मैं कहूंगी उसे तू पूरा करेगा। अवश्य, क्यों नहीं माँ? मैं वचन देता हूँ माँ। बेटा, मुझे वचन दे कि तू जीवन में कभी विवाह नहीं करेगा, आजीवन अविवाहित रहेगा। बेटा, मुझे वचन दे। ठीक है मां, मैं धर्म प्रताप ठाकुर, धर्मराज रुद्र प्रताप सिंह का पुत्र, आज अपनी जन्मदात्री मां की चरणों की सौगंध खाकर प्रण लेता हूं कि मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा। चुग चुग जियो मेरे लाल, चुग चुग जियो। नारायण नारायण, जय हो शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ। गिरिराज जी, सदा सुखी रहो पुत्री। बेटी, तुम्हारे चेहरे पे तो बहुत तेज है जो बतला रहा है कि तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम लोग भगवान शिव की पूजा करती हो, लेकिन बेटी सोमवार का व्रत एवं तीज व्रत अवश्य किया करो, ये अत्यंत फलदायी है। सोमवार का व्रत तो हम भी रखते हैं। अच्छा, तो ये इतना महत्वपूर्ण होता है? सोमवार का व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, मन चाहा वर प्राप्त होगा। जिस तरह देवी पार्वती जी ने सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए इसी व्रत के फलस्वरूप भगवान शिव को प्राप्त किया। देवी पार्वती, पर उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? सहस्त्रों वर्ष पहले हिमालय पर्वत पर राजा हिमाचल का राज्य था। इन्हीं राजा हिमाचल के यहाँ भगवान शिव की पहली पत्नी सती का पुनर्जन्म हुआ। सती का पुनर्जन्म जब हुआ तो देवी पार्वती नाम दिया गया, और देवी पार्वती भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तप करने लगी, जिसे देख राजा हिमाचल चिंतित रहने लगे और उन्होंने भगवान विष्णु के साथ उनका विवाह तय कर दिया। अच्छा? जब ये समाचार देवी पार्वती को मिला तो वे अपने राजमहल को त्याग घने वन में चले गई और कठोर तपस्या में लीन हो गई। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आप कौन हैं? कहां से आई हैं? आपकी इस तपस्या का उद्देश्य क्या है और इस निर्जन वन में किसे प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हो? देवी, इस धरती की कुमारियों के प्रिय तो भगवान विष्णु ही हैं। तुम कौन हो ब्रह्मचारी और मेरी तपस्या में विघ्न डालने का प्रयास क्यों कर रहे हो? तुम कहां से आए हो? हम ब्रह्मचारी का व्रत धारण कर इधर उधर सृष्टि की भलाई के लिए घूमते हैं, और देवी, आपने जो हमें आदर दिया है वो भी उचित ही प्रतीत होता है। किंतु देवी, आप कौन हैं और आपकी तपस्या का उद्देश्य क्या है? हे ब्रह्मचारी, जब आप मेरी तपस्या का उद्देश्य नहीं जानते तो आपने भगवान विष्णु का नाम क्यों ले लिया? मैं राजा हिमाचल की पुत्री राजकुमारी पार्वती हूँ और शिवजी को प्राप्त करने के लिए तप कर रही हूँ। विष्णु और ब्रह्मा को छोड़कर शिव के समान पति पाने के लिए तप कर रही हो, परंतु शिव वो तो संसार से बिल्कुल अलग है। भगवान विष्णु सर्वगुण संपन्न, प्रतिष्ठित
तथा कुलवान है, परंतु शिव उनके न तो वंश का पता है और न कुल का पता है। सदैव अपने शरीर पर सर्प और भस्म लपेटे रहते हैं और क्रोधित होकर कहीं जंगल में अकेले बैठे रहते हैं। देवी, और तो और, उन्होंने अपने क्रोध से स्त्रियों के प्रिय कामदेव को भी भस्म कर डाला है। मैं तो कहता हूं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपने मन के विचारों को तुरंत बदल डालो। अमृत पान छोड़कर क्यों विष पान करना चाहती हो देवी? क्रोधित न हो देवी, आपके मुखमंडल पर असंख्य चंद्रमाओं की कांति विराजमान है, आपका रूप सौंदर्य का खजाना है। देवी, इस प्रकार अपनी सुंदरता को क्यों व्यर्थ नष्ट कर रही हो? आपसे विवाह के योग्य तो विष्णु ही हैं, उन्हीं से विवाह करो। शांत ब्रह्मचारी, शांत, अब तू चुप हो जा। तुझे ब्राह्मण होने के नाते मैं तेरा अपमान नहीं कर रही, तूने तो वेद के विरुद्ध शिवजी की अत्यंत निंदा की है। तुझे ब्राह्मण होने के नाते प्राण दंड भी नहीं दिया जा सकता। अब मैं वेद पुराण तथा स्मृति के वचनों के अनुकूल शिवजी का वर्णन कर रही हूं। कोई भी देवता उनसे श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी की इच्छाओं के ज्ञाता पूर्ण ब्रह्म अलख जगदीश हैं। उन्होंने ही ब्रह्मा जी को अपने श्वास मार्ग से वेद ग्रंथ दिए। वही शिव सबके आदि मध्य एवं अंत हैं। उनके तेज और प्रताप को आज दिन तक कोई नहीं जान पाया है। वे अपने भक्तों को तीनों लोक प्रदान करते हैं। तू अब तक शिव जी के गुणों को नहीं जान पाया है, इसलिए तेरा वचन वेद के विरुद्ध है। यदि तू शिव को जानता तो धर्म के विरुद्ध ऐसा वचन कभी नहीं कहता। उनकी आराधना और पूजा से ब्रह्मा जी द्वारा निश्चित मृत्यु को भी बदला जा सकता है। जो मनुष्य शिव जी की निंदा करता है उसे बहुत दुख प्राप्त होता है। जो दुष्ट एवं अनाचारी ब्राह्मण शिव के विरुद्ध है वे करोड़ों जन्मों तक दरिद्र ही रहा करते हैं। हे ब्राह्मण, तूने शिव की निंदा करके अपने लिए नर्क का मार्ग खोला है। तेरा आदर करने से मुझे कोई फल प्राप्त नहीं हुआ, वरन समस्त पुण्य नष्ट हो गए। अब तू सीधे अपने घर चला जा, क्योंकि मेरा मन शिव जी में लग रहा है। भाग जा यहां से। जैसी तुम्हारी इच्छा देवी। हे प्रभु, मैं तो सदा से ही आपकी दासी हूं। मेरे चाहे करोड़ों जन्म बीत जाएं, परंतु मैं आपके सिवा अन्य किसी के साथ विवाह नहीं करूंगी। हे स्वामी, यदि मुझसे अगर कोई अपराध बन पड़ा हो तो उसे क्षमा करें, और इसी समय मुझे अपने दर्शन देकर कृतार्थ करें। यदि आप आज प्रकट नहीं हुए तो ये हिमाचल पुत्री पार्वती अपने प्राण त्याग देगी। प्रभु प्रकट होइए, प्रभु प्रकट होइए, प्रभु प्रकट होइए। शंकर तुम कहाँ हो?
प्रभु आप
प्रभु। उठो पार्वती। प्रभु उठो। तुमने हमारी जितनी आराधना और तपस्या की है उतनी आज तक किसी ने नहीं की। तुम्हें ग्रहण करके हम भी पवित्र होते हैं। यद्यपि हमारा तप और संयम दृढ़ है परंतु तुम्हारी तपस्या ने उसे भी हिला दिया। तुम क्रोध ना करो। हमने ये सब बातें ब्रह्मचारी बनकर तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए की। तुम तीनों लोकों की माता तथा देवी हो। उत्पत्ति पालन तथा प्रलय तीन गुण रखती हो। तुम्हें तीनों लोकों को आनंद देने वाली हो। हे देवों के देव महादेव, यदि आप मुझ पर वास्तव में प्रसन्न हैं, तो मुझे अपनी इच्छा अनुसार वर दीजिए। आप मेरे पति होकर इस संसार की रीति के अनुसार मेरे साथ विवाह कीजिए। हे गिरिजे, तुमने जो वरदान मांगा है हम उसे स्वीकार करते हैं। शीघ्र ही हमारा और तुम्हारा विवाह होगा। पुत्री पार्वती। पिताश्री, माताश्री। गिरजा। पुत्री, बिना किसी सूचना के तुम इस वन में चली आई। हम सभी लोग कई महीनों से ढूंढ रहे थे तुम्हें, पर चिंता का कोई अधिक विषय इसलिए नहीं था क्योंकि तुम रूपवान तो हो ही, साथ साथ समर्थवान भी हो और हर परिस्थिति में तुम अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हो। पुत्री गिरजे, जब पुरोहित जी ने विष्णु जी से तुम्हारे विवाह की बात की है तो तुम्हारा इस तरह से घर छोड़ आना वन में कुछ बात समझ में नहीं आई। पुत्री, तुम्हें इस विवाह से कोई आपत्ति तो नहीं? ये तो इसका सौभाग्य है कि जगत पालक विष्णु जी ने हामी भर दी है। पार्वती, तुम इस विवाह से तो प्रसन्न हो ना? हे माते, ये कैसी विडंबना है कि तुम जननी होकर भी पुत्री के मन को ना समझ सकी। मैंने उन्हें अपने मन में बसा लिया है, जो देवों के देव इस ब्रह्मांड के सृजक हैं। पुत्री, कहीं तुम ब्रह्मा जी के विषय में तो बात नहीं कर रही? नहीं पिताश्री, मैं उनके बारे में नहीं कह रही हूँ। मैं उनके बारे में कह रही हूँ जो ब्रह्मा के सृजक हैं। मैंने उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया है और आज मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने भी मुझे अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कर लिया है। महाराज, जब मैं विष्णु लोक गया था तो विष्णु जी ने भी मुझसे यही कहा था, पार्वती जिससे चाहे उसी से उसका विवाह करें। लेकिन पुत्री, वो है कौन? नारायण, नारायण। प्रणाम मुनिवर। हे देवी पार्वती, सर्वप्रथम आप अपने पिताश्री से ये वचन ले लें कि आप जिनसे कहेंगे, पुरोहित जी और नाई जी, उन्हें ही जाकर तिलक चढ़ाएंगे। मुनिवर, एक पिता होने के नाते इस विषय में हमें जानकारी तो होनी ही चाहिए। हे हिमाचल महाराज, क्या आपको इतना जानना काफी नहीं होगा कि वो देवों के देव, विश्व रचयिता, जगत सृजक, जय हो भोलेनाथ। सुनिए, अरे ओ पुरोहित जी, आप हमें कौन से निर्जन स्थान पर ले आए हो? यहाँ तो चारों ओर शून्य ही शून्य दिखाई देता है, प्राण बचाना भी असंभव है। और वो देखो दूर अघोरी को, कैसा भयानक सांप अपने गले में लटकाए हुए है। आप शीघ्र वापस चलिए और पार्वती जी के लिए कोई योग्य वर ढूंढिए। यह व्यक्ति गिरजा के लिए अयोग्य है। तो चुप क्यों नहीं रहता मूर्ख? क्यों व्यर्थ प्रलाप कर रहा है? चल मेरे साथ। भोलेनाथ की जय हो। हे ब्राह्मण देव, आप दोनों कौन हैं और किस कार्य हेतु यहाँ आए हैं? प्रभु, हम हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं हिमाचल नरेश का राज पुरोहित हूँ। हिमाचल नरेश की पुत्री राजकुमारी पार्वती आपसे विवाह करना चाहती है, अतः हिमाचल नरेश की ओर से लाई गई ये भेंट स्वीकार करने की अपार कृपा करें। पुरोहित, ये उचित नहीं है। महाराज हिमाचल पर्वतों के राजा हैं, धनवान हैं। इसके विपरीत हम
निर्धन है। मित्रता, शत्रुता तथा विवाह समान बल वालों के साथ ही करना चाहिए। देवी पार्वती हमसे विवाह करके सुख नहीं पाएंगी, बल्कि यूं कहिए कि भांग घोटते समय उन्हें बहुत कष्ट उठाना होगा। राजपुत्री हैं, उनका विवाह तो किसी राजा के साथ ही होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इस तिलक के भेंट स्वरूप पुरस्कार में तुम्हें धन भी नहीं मिलेगा, हम तो तुम्हें केवल थोड़ी सी भस्म दे सकते हैं। प्रभु, आपके अगर भस्म भी मिल जाए तो जीवन धन्य है। अरे ओ पुरोहित जी, ये क्या भस्म ले लिए उस अघोरी से? कुछ दे दो बाबा, भगवान के नाम पे दे दो बाबा। ये ले रखा हूँ, फालतू की मुसीबत पता नहीं क्यों ले लिए थे। सोना, सोना। इस तरह उन्होंने सारे कठिनाइयों से लड़ते हुए भगवान शिव को प्राप्त किया। बेटी, तुम्हें शायद ये ज्ञात न हो कि पार्वती जी अपनी तपस्या के कई वर्ष इस विंध्याचल प्रदेश में भी बिताए थे और उन्होंने स्वयं एक शिवलिंग भी स्थापित किया था। अच्छा, तो वो शिवलिंग कहाँ है योगीराज? वो शिवलिंग कहाँ है ये तो मैं नहीं बतला सकता, लेकिन यही कहीं आसपास में है जिसका हजारों वर्ष है किसी ने अभिषेक नहीं किया। अच्छा, तो मैं चलता हूँ बेटी। पार्वती जी द्वारा स्थापित शिवलिंग यही कहीं है? तब तो हम इस शिवलिंग को अवश्य ढूंढेंगे और इसका अभिषेक भी करेंगे। ये क्या शिवानी, आज सुबह से तुम लुटियां लेकर चली आई हो शिवलिंग ढूंढने जंगल में, अब तक तो मिला नहीं, पता नहीं मिलेगा भी या नहीं। अरे, हमें पूरा विश्वास है माँ पार्वती द्वारा स्थापित शिवलिंग हमें जरूर मिलेगा। तेरे इसी विश्वास के कारण तो हम इतनी देर से इन जंगलों की खाक छान रहे हैं। शाम हो गई, अब तक तो कुछ पता चला नहीं, अब घर चलते हैं, पता नहीं कोई जंगली जानवर आ जाए। अरे, सूरज ढलने में अभी थोड़ी देर है, थोड़ा और ढूंढ लेते हैं। योगीराज ने कहा था यहीं कहीं होगा। लता, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? अरे, ये दोनों कहाँ चली गई? ये तो अवश्य वही शिवलिंग है जिसे माता पार्वती ने स्थापित किया था।
हे पुत्री, डरो मत। ये शिवलिंग हमें अत्यंत प्रिय है और हजारों वर्षों बाद किसी ने इसका अभिषेक किया है। तुम जो वर मांगोगी वो आज हम तुम्हें देंगे। आज पावन त्रयोदशी है, बोलो क्या इच्छा है तुम्हारी? हम क्या मांगे? आज तो हमारा जीवन धन्य हो गया। स्वयं शिव और पार्वती आज हमारे साथ हैं। अब तो और कोई अभिलाषा ही नहीं बची। देवों में देव महादेव, आपके दर्शन से ही हमारा जीवन धन्य हो गया। पुत्री, स्वर्ण चाहिए, रत्न चाहिए, वस्त्र, महल या फिर राज्य सत्ता, जो भी तुम्हारी इच्छा होगी हम पूर्ण करेंगे। हाँ पुत्री, तुम भयमुक्त होकर मांगो। जो मांगना है मांग लो पुत्री, संकोच न करो। हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप हमें बता सकते हैं कि हमारा विवाह कब होगा? तुम्हारा विवाह अति शीघ्र होगा पुत्री। परंतु हमारे पति कैसे होंगे? बोलो, तुम्हें कैसा पति चाहिए? जो रूपवान हो? नहीं। जो धनवान हो? नहीं। जो संपूर्ण विश्व का राजा हो? नहीं। तो फिर तुम्हें कैसा पति चाहिए? हमें ऐसा पति चाहिए जो धर्म का राजा हो, धर्मराज हो। सुंदर, अति सुंदर, तथास्तु सौभाग्यवती भव। अखंड सौभाग्यवती भव। सबकी कामना शिव के समान ही पति हो हर युवती का। नीलकंठ शिव को पूजो तो आशीष हो पार्वती का। ओ देवरदान शंभु नारी को अखंड सौभाग्य। अरे, ये तो सचमुच के भगवान थे। हमने तो भगवान से वरदान पाया है। लता, लता तुम सब कहाँ हो? अरे यहाँ तो कोई नहीं है, कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे? ये तो स्वयं भगवान शिव और माँ पार्वती ही थे। शिवानी। जी पिताजी। बेटी शिवानी, मैंने तुम्हारा विवाह अपने बचपन के मित्र भानु सिंह के लड़के कुंवर वीरेंद्र के साथ मैंने तय कर दिया है और विवाह शिवरात्रि के दो दिन बाद निश्चित हुआ है। क्या आपने हमसे पूछने की आवश्यकता नहीं समझी? मैं तो निश्चिंत हूं बेटी कि जब स्वयं शिव जी ने और माँ पार्वती ने तुम्हें मनचाहे वर की प्राप्ति एवं अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दिया है तो सब मंगल ही होगा, मंगल ही होगा बेटी। हे भोली शंकर, क्या यही है हमारा मनचाहा वर? नारायण नारायण, जय शिव शंकर भोलेनाथ। देखा माते आपने, अपने भोलेनाथ भी कैसे दानी हैं और कैसे भोले कि भूल से अनजाने में शिवानी ने उनके
शिवलिंग का अभिषेक कर लिया तो उसे अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे दिए, और अब तो शिवरात्रि के दो दिन पश्चात शिवानी का विवाह भी होने वाला है। आज तो शिवरात्रि है माते, और देखिए ना शिवानी शिवरात्रि कैसे धूमधाम से मना रही है। शंभू बोले ना, देखा प्रभु आपने, माते सरस्वती ने तो शिवानी का विवाह भंग करा दिया और आपने तो उसे मनचाहा पति का वरदान दिया था, अब उसका क्या होगा प्रभु? जो होगा उचित ही होगा। देवी सरस्वती ने जो भी कुछ किया उसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है ये तो वही बता सकती है। हे गौरी शंकर, यही है तेरा वरदान? आज मेरी शादी दहेज के कारण न हो सकी, मेरी बारात भी वापस चली गई और मेरे पिता उस दुष्ट के घर बारात वापस लाने की भीख मांग रहे होंगे। नहीं करनी है मुझे उस कायर से शादी, नहीं जीना है मुझे। अब मेरा इस संसार में जीने का रहा ही क्या? मुझे नहीं जीना, मैं विष पी लूंगी, मैं मर जाऊंगी। तुम ये क्या कर रही हो? जीवन ईश्वर की देन है, इसे यूं नष्ट न करो। शिवानी तुम यहाँ क्या कर रही हो? वहां सभी तुम्हें ढूंढ रहे हैं और पिताजी भी लड़के वाले के साथ वापस आ रहे हैं। नहीं, नहीं करना मुझे उसका वरण, नहीं करनी मुझे उससे शादी। वो कायर नहीं हो सकता हमारा पति। नारायण नारायण जय भोलेनाथ। तो ये होंगे तुम्हारे पति? क्यों धर्म प्रताप, तुम्हें तो शिवानी पसंद है ना? योगी राज आप यहाँ? आप कौन हैं योगी राज? परिचय बाद में, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। क्या शिवानी तुम्हें पसंद है? हाँ, किंतु किंतु तो बाद में, इसके मन की बात मुझे पता है। धर्म प्रताप और शिवानी
आज तुम दोनों का विवाह होगा। किंतु मैंने आजीवन विवाह न करने का प्रण लिया है। शिवानी भी वचनबद्ध है कि आज वो कर लेगी आत्महत्या। पुत्र, सिर्फ तुम उसके प्राणों की रक्षा कर सकते हो। एक तरफ एक इंसान का जीवन और दूसरी तरफ तुम्हारा वचन, एक कोरा वचन। और धर्म तो ये कहता है कि यदि किसी के प्राणों की रक्षा करने में तुम्हारा वचन भंग होता है तो वो पाप नहीं पुण्य है बेटा। हाँ, धर्म की रक्षा के लिए मैं करूंगा विवाह। तुम दोनों का विवाह अभी भगवान शिव के समक्ष होगा। जय हो भोलेनाथ। जानो तुमको अपना मीत बनाया है, मन मीत बनाया है। तुम क्या जानो तुमको अपना मीत बनाया है, मन मीत बनाया है। अक्षर अक्षर किया श्रृंगार तुम्हें गीत बनाया है। तुम क्या जानो तुमको अपना मीत बनाया है, मन मीत बनाया है। हाँ तुम क्या जानो, अरे तुम क्या जानो, तुम क्या जानो। आजा झुमकी आजा झुमकी आजा। प्रणाम माँ जी। खुश रहो, क्या बात है? प्रणाम करो, पहुँचो। तेरी घरवाली आई है इसलिए बहुत चहक रहा है? नहीं माँ जी, माँ जी आप तो त्योहार मनाइए, खुशियाँ मनाइए, खूब धूम धड़ाका होगा। मैं तो पूरे गांव को जा रहा हूँ खुशखबरी सुनाने के लिए। क्यों, तेरी घरवाली का गौना हुआ है? नहीं माँ जी, आपको नहीं मालूम, छोटे ठाकुर इस हवेली में बहू लेकर आ रहे हैं। क्या बकवास करता है, तेरा दिमाग खराब हो गया है? सुबह सुबह भांग पी लिए क्या? नहीं माँ जी, कसम खाकर कह रहा हूँ, कसम से। धर्मा ठाकुर ने विवाह करके हवेली की, ठाकुर खानदान की, आन की, धर्म की शान रख ली है माँ जी। ये क्या किया तूने धर्मा? रुक जाओ धर्मा। माँ हमें आशीर्वाद दीजिए। क्या आशीर्वाद दें तुम्हें? तुम्हारे सुहाग के जोड़े में हमें विनाश नजर आता है। विनाश? पर कैसा विनाश माँ? धर्मा का विनाश, ठाकुर वंश का विनाश, और तू लेकर आई है ये विनाश। माँ आप नाराज ना हो, आपके बेटे तो एक महान इंसान है, ये तो साक्षात धर्म के अवतार है। आप जानती हैं माँ,
जब हम और हमारे पिताजी पूरी तरह से बेसहारा थे और हमारे खानदान की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी, यदि मां उस परिस्थिति में इन्होंने हमारा हाथ न थामा होता तो मां आज हम कहीं के नहीं रहते। और आप तो धन्य हैं मां जो आपने एक महान पुत्र को जन्म दिया है। और आज हम अपने आप को इस संसार की सबसे भाग्यशाली स्त्री मानते हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए मां। आओ मेरे साथ, आओ। बेटी, यह है तुम्हारे ससुर रुद्र प्रताप सिंह। धर्मा के पहले इस विंध्याचल प्रदेश के ये धर्मा अधिकारी थे। उनकी जुबान से निकला हुआ एक एक शब्द यहां का कानून था। चारों तरफ धर्म और न्याय की गूंज थी, किंतु यहां एक पापी दुष्ट भैरव सिंह भी था जो हमेशा इस कोशिश में रहता था कि वो तुम्हारे ससुर की प्रतिष्ठा को कैसे गिराए। और एक दिन ठाकुर साहब, इसने मेरी बहू के साथ बलात्कार करने की कोशिश की है, इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। ठाकुर साहब, कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। सभी साक्ष्यों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि भैरव सिंह ने मोहन की पत्नी सीता के साथ बलात्कार की कोशिश की, जो अपने आप में एक जघन्य अपराध है। अपराधी के पूर्व इतिहास को देखते हुए यह बात निश्चित है कि इसका अब इस विंध्याचल प्रदेश में रहना उचित नहीं है। इसीलिए मैं रुद्र प्रताप सिंह भैरव सिंह को आदेश देता हूं कि वो आज इसी क्षण अविलंब विंध्याचल प्रदेश को छोड़कर चला जाए और आज के बाद इस विंध्याचल प्रदेश का कोई भी नागरिक ना उसे शरण देगा ना ही अन्न जल देगा। अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो वो भी इस धर्मपीठ का दोषी होगा। तू पछताएगा ठाकुर, मत हंस ठकुराइन। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, मंदिर में आभूषणों की चोरी हो गई। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, मोहन ने मंदिर से आभूषणों की चोरी की है। पुजारी जी, आप होश में तो हैं? इतना बड़ा इल्जाम, ये झूठ बोलते हुए आपकी जुबान कट क्यों नहीं गई? झूठ? मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये क्या है? ठाकुर साहब, मंदिर के आभूषण इसके घर से मिले हैं। नहीं नहीं ठाकुर साहब, मैंने चोरी नहीं की, ये मुझे फंसाया जा रहा है। इसकी भोली सूरत पर मत जाइए, यही चोर है। नहीं नहीं, आभूषण का मोहन के घर से मिलना इसे दोषी साबित करता है। सजा सुनाने से पहले मैं आदेश देता हूँ कि मोहन शिवरात्रि तक सारे आभूषण वापस कर दे। ना! रुद्र प्रताप अपने आप को बहुत बड़ा इंसाफ का पुजारी समझता है। देख कैसा है तेरा इंसाफ। इंसाफ के पुजारी, देख तेरे इंसाफ की मौत को, तेरे
बेटा, मेरा लाल तेरे गलत फैसले की वजह से आत्महत्या कर बैठा। मेरी बहू शिवरात्रि के दिन विधवा हो गई। जिस तरह मेरा बेटा मरा है, मेरी बहू विधवा हुई है, ठीक उसी तरह तेरा बेटा अपनी शादी के बाद की पहली शिवरात्रि को मरेगा। तेरी बहू विधवा होगी, वो होगा उसके नाश का कारण, तेरे ठाकुर वंश के विनाश का कारण। और सुन, तू अकाल मृत्यु को प्राप्त होगा, तेरा होगा सर्वनाश ठाकुर। ये मेरे दिल की आवाज है और ये है मेरा श्राप जो तुझे भोगना ही होगा। मेरे श्राप को विधाता को भी पूरा करना होगा ठाकुर। पंडित ठाकुर साहब, ठाकुर साहब मेरा विश्वास कीजिए। ठाकुर साहब मैं भगवान शिव की कसम खाकर सच कहता हूँ। ठाकुर साहब मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो भगवान शंकर मेरे प्राण हर ले। ठाकुर साहब, हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इंसाफ आपके हाथ में है। ठाकुर साहब मैं पापी हूँ ठाकुर साहब। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है ठाकुर साहब। मैंने ही मोहन को फंसाने के लिए भैरव सिंह के साथ मिलकर आभूषणों की मंदिर से चोरी करवाई थी ठाकुर साहब। रुद्र प्रताप, हम तुम्हारे पूर्वज हैं, विंध्याचल प्रदेश के धर्मराज, धर्माधिकारी। ये कैसा न्याय किया तुमने? तुम्हारे कारण एक मासूम को प्राण त्यागना पड़ा। तूने ऐसा कैसे किया रुद्र प्रताप? कान बंद करने से हमारी आवाज बंद नहीं होगी। तूने अन्याय किया है, तुझे मालूम है ना? हमारी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान शिव ने अपनी तलवार दी थी, तब उन्होंने कहा था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुत्र, प्रभु, तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर हम ये तलवार तुम्हें सौंपते हैं। इसकी सहायता से तुम विंध्याचल प्रदेश में धर्म और न्याय को स्थापित रखोगे। पुत्र, यह तलवार अविजित है, इसे धारण करते ही तुम में मेरी शक्ति समाहित हो जाएगी। किंतु ध्यान रहे, तुमसे या तुम्हारे वंशज से किसी से भी यदि कोई गलत निर्णय हुआ तो उसका फल उन्हें भोगना होगा। जैसी आज्ञा प्रभु। तुमने गलत फैसला कर दिया रुद्र प्रताप, तुम्हें इसका फल भोगना पड़ेगा। तू अब शिव जी के तलवार का अधिकारी नहीं रहा, तेरा अधिकार खत्म हो गया। स्वामी, मैं हर जन्म में आप ही की पत्नी बनूं और मेरे सुहाग का दीपक सदा ही जलता रहे। होता है
कभी कभी ऐसा भी होता है ठाकुर रुद्र प्रताप। रुद्र प्रताप देख आज भैरव सिंह की ताकत। रुद्र प्रताप तूने मुझे देश निकाला दिया था ना, देख आज भैरव सिंह तुझे प्राण निकाला देता है। मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूं। ये ठकुराइन तेरे करवा चौथ का उपहार, ये है तेरे पति का कफन। मेरा उपहार अच्छा लगा ना, होता है कभी कभी ऐसा भी होता है। भैरव याद रखना, एक दिन यही तेरा कफन बनेगा, यही तेरा कफन बनेगा। इस तरह मेरे सुहाग को भैरव सिंह ने उजाड़ डाला। उस समय तू मेरे गर्भ में था, मैंने प्रतिशोध की ज्वाला को दबा डाला। तुझे जन्म देने के बाद मैं तुझे ऐसा बनाना चाहती थी कि तू अपने पिता के अधूरे न्याय को पूरा कर सके। और तभी मोहन की मां के श्राप के एक एक शब्द मेरे कानों में इस तरह गूंजने लगे कि मैं परेशान हो उठी। एक दिन एक योगी राजा आए और मैंने उनसे तुम्हारा भविष्य पूछा। उन्होंने बताया कि बच्चे के जन्म के छठे दिन विधाता स्वयं आकर अपने दूत चित्रगुप्त के रूप में उसका भविष्य लिखते हैं और छठे दिन मैं तुम्हारे लिए पूरी रात जागती रही। पुत्री क्या बात है पुत्री, तुमने हमारा मार्ग क्यों अवरुद्ध किया? आपके दर्शन प्राप्त कर मेरा जीवन धन्य हो गया। ये विधवा अपने पुत्र का भाग्य जानना चाहती है। लेकिन ये तो धर्म के विरुद्ध है। परंतु आपको बताना होगा। फिर भी तुम हट कर रही हो तो सुनो, तुम्हारा ये पुत्र धर्मपरायण, मातृभूमि की रक्षा करने वाला एवं अपनी मां का आज्ञाकारी पुत्र होगा, जिसका यश चारों दिशाओं में फैलेगा। ये दीर्घायु होगा। परंतु क्या देव? तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा पुत्री, कि तेरा यह पुत्र कभी विवाह न करे। अगर उसने विवाह किया तो विवाह पश्चात प्रथम शिवरात्रि के दिन तेरे इस पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। यही विधि का विधान है जिसे कोई नहीं टाल सकता।
मेरे मृत्यु के डर से मां तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा के रखी। भैरव सिंह ने मेरे धर्मात्मा समान पिता की हत्या कर दी। मां अब मैं अपने पिता के अधूरे न्याय को पूरा करूंगा। अब तो मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, भैरव सिंह का वध। मां मां आप चिंता ना करें, इन्हें कुछ नहीं होगा। आप जानती हैं हमें स्वयं शिव जी और मां पार्वती ने आशीर्वाद देकर वरदान दिया था। कैसा वरदान? मां एक दिन हम अपनी सहेलियों के साथ वन में जा रहे थे तब देख लेना माँ, हमारे सुहाग का दीपक इस संसार में हमेशा जलता रहेगा। अब चाहे इसके बीच कोई भी क्यों ना आ जाए, पर गौरी शंकर का वरदान विफल नहीं जाएगा। जय हो शिव शंभू, नारायण नारायण। आओ पुत्र नारद, ये क्या हो गया? धर्म प्रताप और शिवानी का विवाह? अब तो विधि के अनुसार शिवरात्रि के दिन धर्म प्रताप की मृत्यु अटल है, अब शिवजी के वरदान का क्या होगा? वैसे भी समस्त भूलोक में ब्रह्मा के विधान में शिवजी भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। समस्त भूलोक में? अच्छा तो देखते हैं, एक तरफ भगवान शिव का वरदान और दूसरी तरफ ब्रह्मा का विधान, आखिर विजय किसकी होगी। महादेव शिव विश्वनाथ हैं, काशी जिनका धाम। जब मन मेरे महामंत्र तू पंचाक्षर शुभ नाम। ओम नमः शिवाय। Shivaya.
विश्वनाथ शिव सोमेश्वर शिव मल्लिकार्जुन शिव हैं ओंकारेश्वर महाकालेश्वर केदारनाथ शिव जी हैं भीमा शंकर त्रयंबकेश्वर नागेश्वर घुश्मेश्वर वैद्यनाथ है शिव शंकर जी सेतुबंध रामेश्वर बारह ज्योतिर्लिंगों को प्राणी भक्ति से कर लो प्रणाम जप मन मेरे महामंत्र तू पंचाक्षर विश्वनाथ के नित पूजन से मिटते सभी अभिशाप ज्योतिर्लिंगों के दर्शन से जन्मों के कटते पाप विश्वनाथ की महिमा जग में पावन ललित लला श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। प्रणाम आचार्य जी, आपने हमें बुलाया। हाँ पुत्री, भगवान शंकर के आशीर्वाद से छोटे ठाकुर जब से विंध्याचल प्रदेश के धर्माधिकारी बने हैं चारों ओर शांति है और भैरों का आतंक भी खत्म हो गया है। ठाकुराइन, मेरा विश्वास है कि छोटे ठाकुर बहुरानी के साथ काशी जाएं और जिस शिव त्रिशूल पर काशी ठहरी है उस शूल टंकेश्वर महादेव का अभिषेक करें तो अवश्य श्राप मुक्त हो जाएंगे। शूल टंकेश्वर? हाँ पुत्री, शूल टंकेश्वर। बेटा, बहू को लेकर तुम कल ही काशी चले जाओ। जैसी तुम्हारी इच्छा माँ। आज तो हमार नैया धन्य हो गई। आप जाना थे छोटे ठाकुर, यही नैया पे बड़े ठाकुर भी काशी आवत रहे। हमू के जान के बड़ी खुशी भइल है कि आप विंध्याचल प्रदेश के धर्मराज हो गए हैं। बिटिया जाना तो बड़े ठाकुर और ठाकुराइन भी यही नाव से एक दिन शादी के बाद फगुआ खेले पर आयल रहे। अरे नाव वाले भैया जरा सुनो। अरे उधर देखिए, ये तो अपने योगीराज जी लग रहे हैं। अरे भैया नाव जल्दी उस किनारे ले चलिए। हाँ बेटा। जय हो शिव शंकर। जय योगीराज जी, बैठिए। योगीराज जी आप यहाँ? योगीराज जी आपने तो हमें कोई आशीर्वाद ही नहीं दिया। मैं सब जानता हूँ पुत्री, तुम अपने पति को श्राप से मुक्त कराने के लिए शूल टंकेश्वर का अभिषेक कराने जा रही हो।
आप तो अंतर्यामी हैं, आप हमें ये बताइए, क्या ब्रह्मा जी के विधान को बदला नहीं जा सकता? पुत्री, ब्रह्मा का विधान भी तो अटल है और भगवान शिव भी इनके बीच में नहीं आते। विधान तो सावित्री का भी अटल था, किंतु एक स्त्री अपने पतिव्रता धर्म से ब्रह्मा जी के विधान को भी बदल सकती है, और हमारे साथ तो शिव जी और माँ पार्वती का वरदान भी है। शिवानी, ये क्या विवाद कर रही हो? जीवन और मृत्यु तो मनुष्य के साथ जुड़े हुए हैं, और मैं तो भगवान शिव से यही कामना करता हूँ कि जब तक जीवन है मैं धर्म और न्याय की रक्षा करता रहूं। अवश्य पुत्र, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और इसे ये कैसा संयोग कहा जाए कि भगवान शिव और माँ पार्वती विवाह के बाद प्रथम काशी में ही आए थे, और तुम लोग भी विवाह के पश्चात काशी ही जा रहे हो। सच? आप हमें ये बताइए कि भगवान शिव और माँ पार्वती काशी कैसे आए थे? भगवान शिव और माँ पार्वती विवाह पश्चात विंध्याचल आए हुए थे। विंध्याचल में जब उनके प्रवास का पता उनके अंश विश्वनाथ जी को हुआ तो शिव दर्शन हेतु उनसे मिलने विंध्याचल चले गए। यह हमारी प्रिय भूमि काशी नगरी है। यहाँ के दृश्य अत्यंत सुंदर और मनोहारी है। यह भूमि हमें बहुत प्यारी है, जानती हो क्यों? तुम्हें तो याद ही होगा प्रिय, सृष्टि के प्रारंभ में यह धरती पूर्ण रूप से जल में डूबी हुई थी, और हमने और तुमने दोनों ने मिलकर अर्धनारीश्वर का रूप धारण कर पृथ्वी के एक भाग को जल से निकाला, जिसका नामकरण काशी के रूप में किया। तत्पश्चात हमने श्री ब्रह्मा एवं श्री विष्णु की उत्पत्ति कर उन्हें इस सृष्टि का विस्तार एवं लालन पालन का अधिकार प्रदान किया। यही है इस सृष्टि की प्रथम पावन धरती काशी। हाँ प्रभु, एक एक घटनाक्रम जैसे कल की ही बात लगती है, जबकि सदियों बीत गए और मैंने पार्वती के रूप में आपको प्राप्त कर लिया, और प्रभु ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने इस भूमि के लिए कितना भयंकर युद्ध किया था, और मुझे उनके युद्ध को रोकने के लिए स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ा था। और हाँ देव, और तब आपने ब्रह्मा जी एवं शिव विष्णु जी को चारों वेदों की माता गायत्री का महामंत्र दिया, और वेदों के ज्ञान के साथ पंचाक्षर ओम नमः शिवाय का मूल मंत्र दिया। और प्रभु, यहाँ के दृश्य भी कितने मनोहारी हैं कि यहाँ से जाने की इच्छा ही नहीं हो रही। अब तो इस काशी नगरी से अत्यंत प्रीत से हो गई है, कैलाश जाने की इच्छा ही नहीं हो रही प्रभु। तो हम यही निवास करते हैं, परंतु हमारे कैलाश का क्या होगा? जय शिव शंभू। जय भोलेनाथ। विश्वनाथ जी, आप और यहां? हां प्रभु, आपके दर्शन के लिए मेरी आंखें तरस रही थी जब मैंने सुना कि आप और देवी पार्वती विंध्याचल पर्वत पर निवास कर रहे हैं, तो मैं आपके दर्शनों के लिए विंध्याचल गया, पर वहां पता लगा कि आप आनंदवन काशी में विराज रहे हैं। प्रभु, आपके लिए दर्शनों के लिए व्याकुल मैं यहां भागा भागा चला आया। विश्वनाथ जी, हम आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हैं, बोलिए क्या चाहते हैं, हम आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। हे कैलाशपति, हे विश्व के नाथ चंद्रभाल, मैं आप ही का अंश हूं, आपका सेवक हूं। आपने इस काशी नगरी में देवी पार्वती के साथ पधार कर हम पर बहुत बड़ी कृपा की है। विश्वनाथ जी, हम में और आप में कोई अंतर नहीं है, हम तो आपके दर्शन के लिए ही पार्वती के साथ यहां आए थे,
आप तो हमारे ही अंश हैं। हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि आप सभी देवताओं और ऋषियों के साथ इस काशी नगरी को अपनी राजधानी बनाकर देवी पार्वती और अपने गणों सहित यहीं पर निवास करें। हाँ भोलेनाथ, आप विश्वनाथ जी के अनुरोध को स्वीकार करें। यह स्थल तो मुझे भी अत्यंत प्रिय है। देवी, आपने विश्वनाथ जी के अनुरोध को स्वीकार कर इन्हें और हमें दोनों को कृतार्थ किया है, और हम आज इस नगर को अपने विवाह के उपलक्ष्य में आपको भेंट करते हैं। आज से यह काशी नगरी हमारी राजधानी होगी, और हम इस नगरी को वरदान देते हैं कि यह इस पृथ्वी पर रहकर भी पृथ्वी से अलग रहेगी। इस नगरी को हमारा विशेष अनुराग प्राप्त होगा। अब से ये मुक्ति धाम भी कहलाएगी। मुक्ति? स्वामी, मेरी एक जिज्ञासा है। यदि कोई प्राणी जिसने कई जन्मों से पाप किया हो तथा सृष्टि के नियमों को तोड़ा हो, तो क्या ऐसे पापी व्यक्ति को भी यहां मोक्ष और मुक्ति प्राप्त हो जाएगी? इस पृथ्वी पर कोई एक स्थान तो ऐसा भी होना चाहिए जहां कोई भी मनुष्य शुद्ध मन से अपने जीवन की सारी भूलों और सारे पापों को स्वीकार कर यदि क्षमा प्राप्त करना चाहता हो तो उसे 84 लाख योनियों की इस कठिन प्रक्रिया से मुक्ति मिल जाए। हाँ प्रभु, यदि हमारा कोई भी भक्त सच्चे दिल से विश्वनाथ का मंत्र जाप करेगा तो उसके सारे संकट क्षण में दूर हो जाएंगे। हे गिरिजे, ऐसा ही होगा। और आज से इस नगर में आप अन्नपूर्णा देवी के नाम से प्रतिष्ठित होंगी। इस नगर के वासियों को कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। प्रभु, आज आपने समस्त मानव जाति पर महान उपकार किया है। अब आप स्वयं इस मोक्षधाम काशी को संभालें। स्वामी, आप इस नगरी का निर्माण विश्वकर्मा जी से ही कराएं। ऐसा ही होगा। देवों में देव महादेव, भैरव का प्रणाम स्वीकार करें। इस पंचकोश काशी भूमि पर तुम्हारा स्वागत है भैरवनाथ। अब तुम हमारे पास यहीं रहकर इस नगरी की रक्षा करो। हम तुम्हें इस नगरी का सेनापति नियुक्त करते हैं। जो भी हमारे दर्शन का फल प्राप्त करना चाहेगा उसे हमारे दर्शन से पूर्व तुम्हारे दर्शन करने होंगे। प्रभु, आपने जो दायित्व मुझे सौंपा है उसका निर्वाह मैं पूर्ण निष्ठा से करूंगा। इस तरह भगवान शिव ने धरती वासियों के लिए एक मुक्ति धाम, मोक्ष धाम, स्वर्ण रत्नों से जड़ित नगरी का निर्माण समुद्र से निकाले असंख्य मोतियों से भगवान विश्वकर्मा के द्वारा करवाया, और शिव जी यहाँ स्वयं विराजते हैं। इसलिए पुत्री, तुम्हारे पति को मुक्ति यहीं से मिलेगी। किंतु किंतु क्या? अरे ओ बिटुआ, जल्दी यहाँ आवा, देखो हम के लेके आए हाओ। विंध्याचल प्रदेश के धर्मराज ठाकुर धर्म प्रताप की। विंध्याचल प्रदेश के धर्मराज ठाकुर धर्म प्रताप की। विंध्याचल प्रदेश के धर्मराज ठाकुर धर्म प्रताप की। आओ मित्र, स्वागत है। अरे मित्र, गुरुकुल के बाद आज मिले हो। आओ मित्र। अरे भोला, तुम यहाँ? प्रणाम। कैसे हो तुम? जी, और मैंने विवाह कर लिया। अच्छा? हाँ। तुमने विवाह कर लिया? वाह, अच्छा, और बताओ। जी, दुल्हनिया तो बड़ी सुंदर है। प्रणाम। आयुष्मान भव, यशस्वी भव, अखंड सौभाग्यवती भव। आप ठाकुर रुद्र प्रताप के बेटे हो। वही प्रताप, वही प्रभाव।
इसे धारण कर लें। आयुष्मान भव, अखंड सौभाग्यवती भव। पुत्र, कल होली है और सभी लोगों की इच्छा है कि बहुरानी और आप इसमें सम्मिलित हों। तू लोगन के आइले से ई बार काशी में बहुत ही बढ़िया होली हुई। कर पी गए चढ़ गया भांग का गोला। जय जय शिव शंभो रे जय जय बम भोला। नाच रही आंखों में मेरे गंगा जी की लहरिया। गिरना जा उस माल में छे तू ओ बाके सबरिया। नाच रही आंखों में मेरे गोरी तेरी कमरिया। गिरना जा उस माल में छे तू ओ बाके सबरिया। अरे देख के होली का जलवा रे, देख के होली का जलवा रे मनुआ मेरा डोला। जय जय शिव शंभो रे जय जय बम भोला। Thank you.
जल में रंग घोल गोरी तुझको नहला दो हाय। तू मुझको अपना ले यारा मैं तुझको अपना लूं। हाय हाय गंगा जल में रंग घोल गोरी तुझको नहला दो। तू मुझको अपना ले यारा मैं तुझको अपना लूं। अरे खा ले पान बना रस वाला पान बना रस वाला नहले पे लग जाए दहला। जय जय शिव शंभो रे जय जय बम भोला भोला। जय जय शिव शंभो रे जय जय बम शिव शंभो। जय जय शिव शंभो रे जय जय बम भोला। नाम तेरा हम लेकर पी गए नाम तेरा हम लेकर पी गए चढ़ गया भंग का गोला। जय जय शिव शंभो रे जय जय धर्म प्रताप सिंह तू काशी नगर मुक्ति के लिए आया था ना देख मैंने तुझे जीवन से ही मुक्त कर दिया। और सुनो हमसे टकराने का अंजाम केवल मृत्यु है अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु देख ठाकुर धर्म प्रताप सिंह अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। किसने भेजा है तुझे कौन है तू? अरे कलुआ जोगी वीरू देख देख क्या हो काट डालो से। अरे काट डालो से बोल। लीजिए ठाकुर धर्म प्रताप और नाश कर दीजिए इन पापियों का। लीजिए मारो उठो देखो छोड़ना ही अच्छी ना पाए। अरे अरे खड़ो मारना चाहता है मुझे बोल किसने भेजा है तुझे? छोटे ठाकुर छोड़िएगा नहीं पापी को। किसने भेजा है तुझे? भैरव सिंह। विश्वनाथ की महिमा हो कि अपने छोटे ठाकुर के प्राण बच गए। जय बाबा काशी विश्वनाथ की। जय महिमा काशी विश्वनाथ की। महिमा काशी विश्वनाथ की। देव
है काशी विश्वनाथ जी, देवों में महादेव है काशी विश्वनाथ जी, गंगा तट पे बिराजे स्वयं भोलेनाथ जी, महिमा बड़ी तीर्थों में काशी विश्वनाथ की, बोलो रे जय बोलो बाबा भोलेनाथ की। गंगा अपने अमृत जल की धारा बन के बहती है, काशी की पावन भूमि को मोक्ष धाम मां करती है। ओ जो भी जल में नहाता उसको स्वर्ग का सुख देती है, दशाश्वमेध घाट प्राणी तरे नहात, दशाश्वमेध घाट प्राणी तरे नहात, गंगा तट पे बिराजे स्वयं भोलेनाथ जी, महिमा बड़ी तीर्थों में काशी विश्वनाथ की, बोलो रे जय बोलो बाबा भोलेनाथ की। महिमा काशी विश्वनाथ की, महिमा काशी विश्वनाथ की। मोचन हनुमान है भक्तों जोड़ो हाथ, संकट मोचन हनुमान है भक्तों जोड़ो हाथ, महावीर बजरंग बली रुद्र है भोलेनाथ जी, महिमा बड़ी तीर्थों में काशी विश्वनाथ की, बोलो रे जय बोलो बाबा भोलेनाथ की। चरित मानस को रचे थे संत गोस्वामी तुलसीदास, असी घाट पे तन को तजे थे बन गया तुलसी घाट, ओ राम चरित मानस को शिव ने दे दिया स्वयं प्रमाण,
मिला जगत सम्मान हो गए तुलसी तुलसीदास, मिला जगत सम्मान हो गए तुलसी तुलसीदास। गंगा तट पे विराजे स्वयं भोलेनाथ जी, महिमा बड़े तीर्थों में काशी विश्वनाथ की, बोलो रे जय बोलो बाबा भोलेनाथ की। राह दिखाए कबीर, कबीर की हर बात गूंजे हर घर में हर घाट, कबीर की हर बात गूंजे हर घर में हर घाट। गंगा तट पे विराजे स्वयं भोलेनाथ जी, महिमा बड़ी तीर्थों में काशी विश्वनाथ की, बोलो रे जय बोलो बाबा भोलेनाथ की। कल्पवास काशी में विश्वनाथ जी पूरी करते सबकी आस काशी में, हो अंत में सदगति देते हैं शिव मोक्ष धाम काशी में। सातों जन्म के पाप काटे विश्व के नाथ, सातों जन्म के पाप काटे विश्व के नाथ। कलयुग में भी विराजे स्वयं भोलेनाथ जी, महिमा बड़ी तीर्थों में काशी विश्वनाथ की, बोलो रे जय बोलो बाबा भोलेनाथ की। काशी विश्वनाथ जी देवों में महादेव है काशी विश्वनाथ जी। गंगा तट पे विराजे स्वयं भोलेनाथ जी, महिमा बड़ी तीर्थों में काशी विश्वनाथ की, बोलो रे जय बोलो बाबा भोलेनाथ की। आज तो का हलाल करी।
चले 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 आज तो हलाल करी तेरे को चले हट हट चले हट चले रे ससुरी शिवलिंग के पास आकर रुक गई। वैद्य जी जी हमने सुना है काशी के कंकण में शिवजी विराजते हैं। आप ठीक कहती हैं बहू रानी, काशी का हर कंकर बोले जय शिव शंकर जय शिव शंकर। अरे चलत है कि नहीं ससुरी चल। अरे ससुरी आज तो है ही लाल करी। ये गौ माता के साथ क्या हो रहा है? अरे भाई ससुरी गौ माता को क्यों मार रहे हो भाई? यही का हलाल करे वास्ते ले जा रही ससुरी यहाँ आके रुक गई। गौ हत्या? अरे भाई गौ हमारी माँ के समान होती है और मैं तो तुमसे यही कहूंगा कि तुम भी आज से गौ हत्या बंद कर दो। का गौ हत्या बंद कर दे? का कहे तो साहब गैया का तकदीर यही, जब तक दूध देत है घर के खूंटा पे ओई के बाद कसाई के घर। चला हटा हमारे से। क्या तुम अपनी माँ के साथ भी ऐसा ही करते हो? वो माँ जो तुम्हें दूध पिलाती है, अगर वो दूध न दे तो उसे क्यों नहीं काट डालते? ये गाय तो हमारी माँ से भी बढ़कर होती है, जो अपने बच्चे का हिस्सा हमें पिलाती है। क्या तुम इसके दूध का कर्ज कभी उतार सकते हो? टीका कर्ज तो हम अभी उतार दें। आज तो तुहार मैया यही हलाल हो। का तो बाद में देखी, पहले तोई का देख ले हम। प्रणाम छोटे ठाकुर। प्रणाम छोटे ठाकुर। बोला बोलो क्या समाचार है? ठाकुर साहब अब गांव में भैरव सिंह कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपने शिव जी की सौगंध खाकर उसे मारने का प्रण लिया है, इसलिए उसने काशी में आपको मारने की कोशिश की थी। भैरव तो पता नहीं कहां छुपा बैठा है, बस एक बार वो मुझे मिलना चाहिए। लेकिन ठाकुर साहब भैरव सिंह तो अब गलती से भी आपके सामने आएगा या नहीं इसका पता नहीं, पर आप शिव तलवार से उसका वध कर सकते हैं, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर हम सबकी विनती है हमें छुटकारा दिलवाइए। गलती से ही सही, भैरव यह कदम अवश्य उठाएगा और यह कदम उसके जीवन का अंत होगा। लेकिन ठाकुर साहब भैरव सिंह कहाँ है? कौन देगा इसका समाचार? कौन बताएगा हमें? कौन करेगा हमारी सहायता? बताइए ठाकुर साहब। शिव जी की सहायता से मैं पूरा करूंगा अपने पिता का न्याय, मृत्यु दंड दूंगा। हे प्रभु, प्रभु मैंने जो रात्रि में स्वप्न देखा वो इतना बुरा था कि मेरे हृदय की धड़कन रुक गई। शिवरात्रि को केवल 4 माह शेष रह गए, मेरे बेटे की सदैव रक्षा करना, अगर उसे कुछ हो गया तो विंध्याचल अनाथ हो जाएगा। 25 सालों बाद हमें यह खुशियां मिली है प्रभु। नहीं माँ आप चिंता न करें, उन्हें कुछ नहीं होगा। आप तो जानती है ना होली वाले दिन क्या हुआ था। जब शिवजी और पार्वती का वरदान हमारे साथ है तो आप चिंता क्यों करती हैं? और अब तो हमने 16 सोमवार का व्रत रखा है। अब चिंता न करें माँ, उन्हें कुछ नहीं होगा, उन्हें कुछ नहीं होगा माँ।
सपने करेंगे साकार, भोले शिव सपने करेंगे साकार, भगतों शिव की करो जय जयकार, रे भगतों शिव की करो जय जयकार। Thank you.
जीवन के शिव आधार रे, शिव की करो जय जयकार रे भगतों, शिव की करो जय जयकार। पूर्ण हुआ करूं तुम्हारी भक्ति देवा, करूं तुम्हारी भक्ति देवा, करूं तुम्हारी भक्ति। जन्म लिया जिस लिए प्रभु, प्रतिज्ञा निभाओ कर्म की, अन्याय का संहार करूं, रक्षा करूं मैं धर्म की देवा, रक्षा करूं मैं धर्म की देवा, हर 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 महादेव। रुक जाओ ठाकुर। बहुत प्यार करते हो इससे धर्म प्रताप। होता है कभी कभी ऐसा भी होता है। देख 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 डालू क्या। देख उधर उधर गर्दन। भगवान से डर पापी, आज के दिन तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। भैरव, आज तेरी मौत तुझे यहां लेकर आई है, समझा। धर्म प्रताप, तू तो बहुत सख्त जान है रे। मैं तो तुझे काशी में ही मारना चाहता था ताकि तू सीधा स्वर्ग जा सके और तुझे मोक्ष की भी प्राप्ति हो। होता है कभी कभी ऐसा भी होता है धर्मराज, विंध्यांचल प्रदेश के धर्मराज धर्म प्रताप। देख आज भैरव सिंह करेगा तेरी जिंदगी का फैसला। देख भुजंग, देख देख कैसे छटपटा रहा है ये। पच्चीस साल पहले धर्मराज
तेरे बाप की जिंदगी का फैसला भी मैंने ही किया था। सुना है कि तू शंकर का बहुत बड़ा भक्त है। देख, आज तेरी जिंदगी का शिकार करूंगा मैं, तो बुला अपने शंकर को, बचा ले इसे। त्राही त्राही मैं नाथ पुकारू, यही अवसर मोहे आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहे आन उबारो। शंकर हो संकट के नाशक, मंगल करण विघ्न विनाशक। पूजन रामचंद्र जब की ना, जीत के लंक विभीषण दीना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर निकाल भगवान शिव की तलवार को और नाश कर दे इन पापियों का। जा बेटा, पूरा कर अपने पिता के न्याय को। हर हर महादेव। भैरव, देख देख इस रक्त से भरी चादर को, देख इसे तो तू पहचानता है ना, इतना घबरा क्यों रहा है? तुझे खून से होली खेलने का बहुत शौक है ना, तो खेल अपने ही खून से अपनी होली। ये मेरे सुहाग का खून है जिससे तूने होली खेली, और यही खून अब तेरा कफन बन जाएगा। तेरा कफन भैरव, तेरा कफन। मुझे माफ कर दो ठाकुरन, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ठहरो, भैरव से भाग जाओ। मैंने उपचार कर दिया है बहुरानी, अब छोटे ठाकुर शीघ्र अच्छे हो जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। अरे ये क्या, मैंने तो अपने काशी में इससे भी कई बड़े बड़े घाव ठीक किए हैं। अरे ये तो जाग रहे हैं, माँ जी कहाँ हैं? माँ जी तो छोटे ठाकुर की रक्षा के लिए महामृत्युंजय के अखंड जाप में लीन हो चुकी हैं। अब ठीक तो है। सब कुछ तो अब सामान्य है, प्रभु ने अगर चाहा तो कल सुबह तक ही छोटे ठाकुर अवश्य ठीक हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब आपको कैसा लग रहा है? अब तो काफी आराम है। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? हे प्रभु, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है? वैसे कुछ कीजिए ना, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि छोटे ठाकुर को ये क्या हो रहा है। जो इंसान अभी तक अच्छा हो रहा था और मेरे सभी उपचार फलदायी हो रहे थे, अरे इनकी नब्ज की गति भी असामान्य हो रही है। शरीर मस्तिष्क के अनुसार कार्य भी नहीं कर रहा है, अरे ये तो धीरे धीरे अर्धमूर्छावस्था की ओर जा रहे हैं। हे प्रभु, आप कुछ करते क्यों नहीं? अरे अरे बहुरानी, बहुरानी, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? बहुरानी, ये तो मुझे किसी तीसरी शक्ति का प्रभाव लगता है, ये तीसरी शक्ति का ही प्रभाव है बहुरानी। नारायण नारायण, जय हो शिव शंभु भोलेनाथ। पुत्री, आज शिवरात्रि है और ब्रह्मा के विधान अनुसार काल की घड़ी प्रारंभ हो गई है। ठहर जाएगी यह काल की घड़ी। क्या भोले शंकर को अपना दिया हुआ वचन याद नहीं? क्या उन्हें यह भी याद नहीं कि उन्होंने हमें अखंड सौभाग्यवती का वरदान दिया था? हाँ पुत्री, अवश्य दिया था, लेकिन ब्रह्मा का विधान भी तो अटल है, उससे कौन टकराएगा? और इस धरती पे तो इसे टाला नहीं जा सकता। हम टकराएंगे ब्रह्मा के विधान से, हम बताएंगे उन्हें। तो विलंब ना करो पुत्री, यदि तुम इसके प्राणों की रक्षा करना चाहती हो तो एक स्थान है जो इस धरती पर रहकर भी इस धरती से अलग है, वो है काशी। ये भगवान शिव की त्रिशूल पे ठहरी है और तीनों लोकों से अलग है। यहाँ भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं, इसलिए पुत्री शिवरात्रि पूजन से पहले धर्म प्रताप को विश्वनाथ जी के मंदिर ले जाओ और उनका दिया वचन उन्हें स्मरण कराओ। विलंब ना करो पुत्री, शीघ्र प्रस्थान करो। जा बेटी जा, शिव के द्वार जा। Thank you.
बहुरानी नहीं, ना बेटी ना, अगर तू ही हिम्मत हार गई तो तेरे पति के प्राणों की रक्षा कौन करेगा? क्या तू भूल गई कि पार्वती और महादेव ने तुझे अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दिया है? उठ उठ बेटी उठ, मांगने की तरह मांग, सावित्री बन और अपने सत्यवान की रक्षा कर। उठ बेटी उठ। मृत्युंजय जागिए, आज आपके वरदान का क्या होगा? आपने तो हमें वरदान दिया था ना अखंड सौभाग्यवती का, पर आज हमारे पति के प्राण जा रहे हैं। अगर आज आपने हमारे पति के प्राण वापस न लाए तो इस दुनिया के सारे भक्तों का आप पर से विश्वास उठ जाएगा प्रभु, आप पर से विश्वास उठ जाएगा प्रभु। शिवानी तुम यहां? एक स्त्री जब अपने पति के प्राणों की रक्षा करना चाहती है वो अपने सतीत्व के बल पर कहीं भी पहुंच सकती है प्रभु, कहीं भी पहुंच सकती है। किंतु मैं अपने वरदान के कारण ब्रह्मा जी का विधान परिवर्तित नहीं करना चाहता, सृष्टि की व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाएगी। और पृथ्वी की व्यवस्था? पृथ्वी की व्यवस्था तो ब्रह्मा जी ही देखते हैं और ये नियम भी मैंने ही बनाए हैं। लेकिन प्रभु कैसी व्यवस्था? काशी, हाँ काशी जो आपकी नगरी है वो तो इस धरती पर नहीं है बल्कि आपके त्रिशूल पर ठहरी है। वहां तो ब्रह्मा जी का नियम नहीं चलता। आप तो अपने भक्तों को स्वयं वरदान देते हैं, उनके कष्टों को दूर करते हैं, उन्हें श्राप से मुक्त करते हैं। अपने वरदान की रक्षा कीजिए प्रभु, अपने वरदान की रक्षा कीजिए, काशी की लाश बचाइए प्रभु। सुंदर, अति सुंदर, निसंदेह तुम एक पतिव्रता स्त्री हो। इस कलयुग में सावित्री के बाद तुमने अपनी इच्छा शक्ति और भक्ति से सारे जगत को पुनः एक नया मार्ग दिखाया है कि स्त्री अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा और तप के बल पर विधाता के विधान को भी परिवर्तित कर सकती है। निसंदेह काशी के कारण आज मेरे वरदान और ब्रह्मा जी के विधान
दोनों की रक्षा हो गई। सच्चे मन से जो भी भक्त इस पवित्र काशी भूमि पर हमें स्मरण करेगा, हम अवश्य उसे फल देंगे। नारायण नारायण। हे माते, आपकी लीला तो अपरंपार है। पहले तो आपने शिवानी को बहुत कष्ट दी, उसकी शादी रुकवाई, और अब उसे खुश देखकर आप खुश हो रही हैं। ये बात मेरे समझ में नहीं आई। कृपया कर मेरी उत्कंठा शांत करें माते। पुत्र नारद, मैंने जो कुछ भी किया भगवान शिव के वरदान की रक्षा के लिए किया। पुत्र पूर्ण विश्व और भारतवर्ष के शिव भक्त जो मुक्ति धाम मोक्ष धाम यानी काशी धाम ना आ सके हों, वो अवश्य परिवार अपने माता पिता संग छवि गृह में आकर काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करें और पुण्य के भागी बनें।